एम्बेसी ने भी काफी लेट मतलब 1617 को भी जो उन्होंने एक फर्स्ट एडवाइसरी दिया था उसमें ऐसा मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स लिख दिया था कि जिनका स्टे जरूरी नहीं है वो जा सकते हैं। कॉलेज हमारा एक्चुअली ऑनलाइन मोड में नहीं जा रहा था सो उसके लिए काफी कोशिशें हुई, प्रोटेस्ट भी किया इंडियंस ने, बट वो मान्य कॉलेज में वाले को रेडी नहीं थी, प्लस एम्बेसी भी ऐसे कुछ नहीं कर रही थी। यानी एम्बेसी बस लाइक हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, पर हमें बार बार ये बोला जाता था कि वेस्टर्न पार्ट में तो सेफ हो, लेकिन कल यहाँ पे भी एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ। मतलब हम सबसे वेस्टर्न पार्ट में आते हैं और फिर भी यहाँ पे ब्लास्ट हुआ। अच्छा, तो एम्बेसी में तुम कुछ संपर्क क्यों भी नहीं किए? एम्बेसी में मतलब बात ऐसे होती थी तब तो वो बताता था हमारे कॉन्टेक्ट में नहीं, हम बताएंगे, तो हमसे रहते ही हमेशा वो ये बोलते थे कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे हमारी बात होती है, उनसे अपडेट लीजिए। तो हमारे यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर वो शायद कीप में ही थे, वो ड्रॉप करने गए थे, उनकी चार्टर फ्लाइट थी तो बच्चों को ड्रॉप करके आ रहे थे, तो वो कीप में ही थे। तो अभी मतलब फॉर्म्स को जितने भी आ रहे हैं एम्बेसी के थ्रू वो तो हम फिल कर रहे हैं। एडवाइजरी जो जारी हुई है उसमें अपना जो टोल फ्री नंबर है उसमें फोन बात किया? हाँ, मैंने तो नहीं किया था, लेकिन ऐसे व्हाट्सएप कॉल दीदी और आकाश ने तो किया था, तो उन्होंने कल एक लिंक आकाश को दिया था, मुझे फॉरवर्ड जो मेल में आया था वो खोल नहीं रहा था, वो फेल आ रहा था। फिर मैंने उस नंबर पर वापस से मेल किया कि सर आई एम नॉट गेटिंग द लिंक, आई एम नॉट एबल टू ओपन इट, तो उन्होंने बोला आपको रिसेंड किया गया व्हाट्सएप पे। मैंने बोला सर मुझे व्हाट्सएप पे कोई लिंक नहीं आया, मैंने व्हाट्सएप नंबर पे पिंग किया कि आप इसमें सेंड कर दीजिए, बट कोई रिवर्ट नहीं आया। अच्छा, एंड मेरे को ये मतलब छत्तीसगढ़ के थ्रू हमारा मतलब ऐसा कोई नोटिस आया था, उसमें भी आ जाता ग्रुप में कि अगर छत्तीसगढ़ के बच्चे उनका इन्फॉर्मेशन, बट ऐसा कोई कलेक्शन का आया नहीं, जैसे राजस्थान वगैरह का अलग से भी लिया, स्टेट्स ने भी लिया। तो इधर मैं बात कर लेता हूँ, तुम क्या वेस्टर्न इसमें हो, यूक्रेन में हो? मैं यूक्रेन में हूँ अभी, इवानोव से। अच्छा, तुम्हें पूरा व्हाट्सएप कर दो, पूरा अपने डिटेल व्हाट्सएप कर दो, है ना? और क्योंकि इन्होंने फॉर्म जो भरवाया कल उसके हिसाब से ये बोल रहे कि हमको हंगरी या पोलैंड लेकर जाने का। ओके, पहले तो ये था कि अगर हम खुद से पहुंच जाते हैं, तो अब उन्होंने जितने भी स्टूडेंट्स ने फेल की थी, रूस में जो अप्रिय स्थिति बनी है उससे देश के हजारों छात्र छात्राएं वहां फंसे हुए हैं, यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अभी आज मेरी पूजा घोषाल जो मेरे क्षेत्र की चिमरी की रहने वाली स्टूडेंट है उससे बात हुआ, मैंने वीडियो कॉल से उससे बात किया। जो एम्बेसी है और जो भारत सरकार की जो ढील ढाल रवैये के कारण जो बच्चे जो हैं उनको बहुत देर हुआ, और आज जब अप्रिय स्थिति हो गई है और जो एयरलाइंस वगैरह वहाँ जाना बंद हो गए हैं, जो इंडियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट थी वहाँ जाना बंद हो गई है, तो बच्चे मुश्किल में हैं। मैंने यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और मुख्य सचिव जी से बात करके हमारे जो छत्तीसगढ़ के छात्र हैं, खास करके जो मेरे असेंबली की छात्र हैं, उसके सुरक्षित घर वापसी की बात उनसे की है और बहुत जल्दी उनको मदद मिलेगा। मैं हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।